अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है। US has released an intelligence assessment. रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान's long history of supporting anti-militant groups in India over the Kashmir issue and cross-border terrorism emanating from Pakistan. बहुत से ऐसे militants group हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है, ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। They are supporting them, they are providing them the equipment, the funding, the necessary funding required to fight this kind of war. So, इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिटी, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ से ये भी हिस्ट्री की किताबों में लिखा। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। Unless there is a foreign support to these locals, they cannot sustain for long this insurgency. और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है। असल बात ये कि भारत ने कई बार जो इल्जाम लगाए उनमें बहुत इल्जाम जो थे या बहुत एलिगेशन जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। यूएस की एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ इशारा किया है और पाकिस्तान, चाइना और भारत की बात की गई उसके अंदर। अब उसमें यह भी कहा गया है कि जी पाकिस्तान के ऊपर ये जो हमेशा से एलिगेशंस लगती रही हैं, बल्कि बहुत से लोग तो पाकिस्तान से भी कहते हैं कि जी ठीक ही कहा जाता है, यानी जो एलिगेशंस लगती हैं वो ठीक ही होती हैं, और वो ये कि पाकिस्तान से उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जो कि एंटी इंडिया हैं और एंटी भारत हैं, उनको पाकिस्तान में सपोर्ट किया जाता है, ये बात भी जो है उस रिपोर्ट में बताई गई है। साथ साथ ये भी कहा गया है कि जी उस रिपोर्ट को लेकर जो है वो पाकिस्तान में लोग जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हैं, उस चीज के ऊपर काम नहीं किया जा रहा, और जैसे कि हमने आपको कहा और आपने हो सकता है वो रिपोर्ट भी आप में से बहुत से लोगों ने देखी हो, बहुत से लोगों ने उसके ऊपर वैसे मेरे ख्याल में वीडियो भी बनाई है तो हो सकता है आपने वो भी देखी हो, लेकिन उसमें बताया यही गया उस रिपोर्ट के अंदर कि पाकिस्तान में बहुत से ऐसे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं जो कि एंटी भारत हैं और वो भारत के अगेंस्ट काम करते हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए या वहां किसी किस्म के अटैक्स वगैरह करने के लिए, और ये चीज भारत बहुत देरों से, बहुत टाइम से जो है भारत जो है ये बात कहता जा रहा है पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई खास कार्रवाई करता हुआ, कोई खास एक्शन लेता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। अब ये बात अब अमेरिका ने भी कह दी है, यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने भी कह दी है, वरना जब भारत कहता था तो पाकिस्तान ने हमेशा यही कहा है कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, हम तो, लेकिन अब जब ये बात जो है वो एक तरह से यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आ गई है तो भारत के बारे में और पाकिस्तान के लिए जो कहा गया है तो पाकिस्तान के लिए इनकार करना यकीनन मुश्किल होगा। एक बात और कही जा सकती है पाकिस्तान की तरफ से कि वो ये कह सकते हैं कि क्योंकि भारत जो है उसकी बहुत ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेहतर जा रही है, आगे भी बढ़ रहे हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज भी बात कर रही हैं, यूरोपियन कंट्रीज भी भारत के साथ अपने टर्म्स को लेकर आगे बढ़ रही हैं, तो हो सकता है कि भारत जो है वो किसी तरह से प्रेशराइज करके यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में पाकिस्तान का नाम लेने में या पाकिस्तान का नाम ऐड करवाने में कामयाब हुआ, ये पाकिस्तान की तरफ से बिल्कुल कहा जा सकता है। और हम लोग हमेशा यही करते रहे, पाकिस्तान के ऊपर जब जब इल्जाम लगा तो कहीं ना कहीं से भारत का नाम जोड़ा गया और उसके बाद पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है या पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने इस बात को ये कहकर इनकार कर दिया कि नहीं जी हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं, और जो कुछ भी कहा जा रहा है वो भारत के दबाव में आके, भारत के इन्फ्लुएंस में आके ही जो है दूसरी कंट्रीज हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है। लेकिन असल बात ये कि भारत ने कई बार जो इल्जाम लगाए उनमें बहुत इल्जाम जो थे या बहुत एलिगेशन जो थी वो पाकिस्तान के ऊपर ठीक भी लगी थी। दोस्तों हाल ही में एक अमेरिकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है, और रिपोर्ट जो है ये एक एनुअल थ्रेट असेसमेंट है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, और ये जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को जारी किया है।
ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, खास तौर पे पाकिस्तान के लिए, भारत के लिए, चाइना के लिए। जिस चीज़ की मुझे सबसे ज़्यादा हैरानगी हुई है, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान की इंतहाई फेल्ड डिप्लोमेसी है, मुझे नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि पाकिस्तान लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ सपोर्टिंग एंटी मिलिटेंट ग्रुप्स इन इंडिया, ये रिपोर्ट कह रही है कि पाकिस्तान की एक लंबी हिस्ट्री है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है। इस चीज ने इंडिया के अंदर विलिंगनेस बढ़ा दी है, इंडिया के अंदर ये चीज बढ़ा दी है, और पर्टिकुलरली अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी साहब, कि वो पाकिस्तान को मिलिटरली रिस्पॉन्ड करेंगे। सो या एक तो ये चीज है, या फिर ये है कि जो आपका जो रियल पाकिस्तानी प्रोवोकेशन जो है वो रिस्क ऑफ एस्केलेशन जो है ड्यूरिंग द क्राइसिस बढ़ा सकती है इंडिया पाकिस्तान के हवाले से। वो फिर कह रहे हैं, कहते हैं ये जो पाकिस्तान दहशतगर्द ग्रुपों को सपोर्ट करता है उसकी वजह से इंडिया के अंदर विलिंगनेस है कि हमने सिर्फ मिलिट्री फोर्स के जरिए चीजों को डील करना है, या पाकिस्तान रियली प्रोवोक कर सकता है तो उसमें एस्केलेशन हो सकती है। सो ये पॉइंट है, ठीक है जी। और लेकिन वो कहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है इंडिया पाकिस्तान का, दैट इज कंसीडर्ड एज ए फ्रेजाइल काम, यानी कि द रिलेशनशिप इज फ्रेजाइल बट एट द सेम टाइम इट्स काम है, इसमें कोई लंबा चौड़ा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि 2021 से सीज फायर एग्रीमेंट जो है उसके ऊपर वो रीन्यू हुआ और वो ठीक है। और लेकिन इसके सारे अरसे के दौरान दोनों मुल्कों ने कोशिश नहीं की, और ज़्यादा से ज़्यादा जो डोमेस्टिक प्रायोरिटीज़ हैं, इलेक्शन प्रिपरेशंस, इसकी तरफ वो ध्यान है और कोई नहीं है, ये चीज़ें। सो मैं इसमें पाकिस्तान का मौकफ क्या है? पाकिस्तान का मौका ये है जी कि हम तो मुतासर हैं दहशतगर्दी की जंग से। आईएमएफ का अभी आपको पता है भारत ने आईएमएफ से क्या पहली दफा तकाजा किया है? उसने ये तकाजा किया है कि पहले तो वो कुछ नहीं कहता था, हालांकि वो उसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल है भारत, वो ये कह रहा है कि अगर इनको लोन दिया जाए तो ये इस बात की गारंटी ली जाए कि ये लोन डिफेंस में नहीं जाएगा। बताएं अब इस हद तक आपके ये इन्होंने खत लिख दिया है तो दूसरे मुल्कों को, ये इमरान खान ने आईएमएफ को खत लिख दिया, अंदरूनी तौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को कर्ज नहीं दो। बताइए कितने गलत काम कर रहे हैं ये हुकूमत। अभी डॉक्टर जो बात कर रहे थे दानिश, ये हिंदुस्तान वाली बात, देखिए वो डिप्टी एमडी जो है ना, वो एक गोपीनाथ खातून है, वो जो गीता गोपीनाथ वो जो आईएमएफ की है वो इंडियन है, तो डेफिनेटली अब अपना इस्तेमाल करेगी इंडियन हुकूमत कि वो किसी तरीके से आईएमएफ को इतनी आसानी के साथ पैकेज ना दे। अब सवाल यही है कि जो आप कर सकते हैं, हुकूमत कर सकती है, वो क्या कर सकती है? देखिए महंगाई का दावा किया, अभी आप देख लें रमज़ान के महीने में हर आने वाला दिन महंगाई डबल लेके आएगा, मैं आपको बता सकता हूँ, मुझे नहीं लगता ये कुछ कर पाएंगे।